मेहमान रेडी हो रहा है, मेहमान रेडी कर रहा है और ये गैस मतलब देख लाइटें वगैरह सबको लगा दी, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो यार अभी मैं आ गई ऊपर, अभी मैंने लगा दी है देखिए बैच वेरिएबल के हवाले से मैंने बैच लगा दिया। कैफ भाई का अलग है, मेरा अलग है, प्यारा है। पाकिस्तान का कलर आया व्हाइट एंड ग्रीन। और हमारी फिशेज देखे, मैं अभी स्कूल जाने वाला हूँ। गोल्डन फिश यहाँ पे है, स्टार फिश, बाकी मूली फिश हमारी यहाँ पे सारी। चलो और सो तो गाइस, आज हमारा है मुकाबला स्कूल में बॉर्डर बिल के हवाले से। पार्टिसिपेट मैंने किया है, कैफ भाई ने किया है, हमने सारे के सारे सवाल याद कर लिए हैं। अभी जाएंगे सुनाएंगे, फिर आएगा फ्री मजा, फिर हम फर्स्ट आएंगे। यस यस गाइस, 120 सवाल थे, वो सारे हमने याद कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस हमारे चैनल पे जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक किया करें वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। गाइस सुबह सुबह उठ चुके हैं, नादों के तैयार हो चुके हैं, बच्चे जो है ना स्कूल चले जा चुके हैं और मैं अभी जा रहा हूँ अपने एक्वेरियम के पास, आपको दिखाता हूँ अपनी न्यू फिशेज और दूसरा जो है ना आपको अपने पेट्स भी दिखाता हूँ, जानवर कजले मुंदरे छतरे और उनको जैन ने जो है ना चारा वगैरह डाल दिया है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। लाइट्स का विजिट करवा देता हूँ आपको, ये देखो लाइट ये लगा दी थी रात को यहाँ पे और इसी तरह ये ऊपर भी आपको नजर आ रही होगी। ये देखेंगे ये लाइट्स, इस वक्त मैंने बंद कर दी है, मौसम बहुत अच्छा है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस इस वक्त आ गए हम अपने ऑफिस में, मुझे यहाँ पे कुछ काम था वो काम मैंने किया है। यहाँ पे आए हुए हैं कारी साहब और इधर बैठा हुआ है ये पूरम हमारा और हम देख रहे हैं पाकिस्तान का मैच, बच्चे भी देख रहे हैं। आज बच्चों ने छुट्टी की है, दो बच्चों ने, तो अभी जो है ना हम लोग जा रहे हैं अपने बड़े भाई के घर, वहाँ पे महफिल मिलाद है वो उसमें शामिल होना है, तो उससे पहले यहाँ ऑफिस में कुछ काम है वो कर लेते हैं। इस वक्त जो है ना निकल चुके हैं बड़े भाई की तरफ, वहाँ पे आज महफिल मिलाद है तो इसी सिलसिले में वहाँ जा रहे हैं। अभी मैं और कभी भाई बहुत एक्साइटेड है, वहाँ पे जाएंगे, हमने खेलना भी है, फ्रेंड भाई वहाँ पे चले गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं और कभी भाई के साथ कंपटीशन, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह या सेकंड, कभी आप खुश हो सेकंड आई एम। क्या मसला, क्या हुआ था गाइस? आज जो हमारी क्लास थी ना, मेरी क्लास में मैं था और मेरा एक दोस्त था, अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों को सारे सवाल आते थे, लेकिन जो हमारा दूसरा सेशन था ना 3B, उनके दो बच्चे थे, उनको कुछ भी नहीं आता था गाइस, तो उनकी वजह से हम सेकंड आए हैं। कैफ भाई की क्लास में अच्छा आता था तो वो भी सेकंड आए हैं, इतना सेम आई थी हमारी गलतियाँ, इसलिए हम दोनों सेकंड आए हैं, हमारा सेम है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे अपने बड़े पापा के घर, मेरे साथ आया मेरा हसन कजन, अभी जल्दी चलते हैं ऊपर, पापा वहाँ पे गाड़ी पार्क कर रहे हैं, बहन भी आपको पता सब भी आगे थे, वो यहाँ पे खेल रही है, हमारा बच्चा पार्टी यहाँ पे है। इधर आओ, हम भाग रहे, इधर आओ, बन भाई यहाँ पे है, बहन भी यहाँ पे बॉलिंग करा रहे थे। वैसे क्या हो गया भाई, क्या हो गया है, पापा ने यहाँ पे गाड़ी पार्किंग लगा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा छोटा सा घर है, चलो मेहमान रेडी हो रहा है, मेहमान रेडी कर रहे हैं और ये गैस मतलब देख अगर कुछ होता गर्म 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 अबू लाया, ये छोटे छोटे सोर दो लाए, अरे हमें बैठना ना, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, ठीक है, इसको बांधा होगा लेकिन इसको नहीं खुला होगा, इसको खोलो, 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 खोल
काम खाया कर दिया। ये खोल दी, खुली हुई है, पहले ही खुली, अब नहीं मानते। छोटा विक्रम आया यहाँ पे, छोटा सा बकरी, छोटी बकरी है, ये बकरी है, वो बकरा है। तो इस बकरी का नाम क्या रखा है, बोला इस बकरी का, इसका नाम क्या है, है? क्या नाम है इसका? इस बकरी का क्या नाम है? वो मनान ने शॉट मारी, क्या बात है। ओए ओए हमें लगा तुम लोग नहीं। यो बैंक बॉबी छी अंकल, मैंने बोल दे यूट्यूब पे डाल देंगे अंकल, मैंने लिख देंगे वायरल कर देंगे। उसने मारी थी आपको, तो बस कर दे वीडियो बनाई यार पागल। आपने नहीं किया तो वैसे मैं अंकल ने बोल दे दी, अब हम जा रहे हैं। यहाँ पर हाईकोर्ट का मिल चुका है, ये देखिए नजर। इस वक्त आए हैं बानी की छत पर और बानी ने रखे हुए हैं सील मुर्गे, देसी कुकड़। ये जी बानी हमारा लाया हमें दिखाने के लिए। बानी क्या हाल है, ठीक हो? तो आपको गाइस दिखाते हैं इसके मुर्गे। ये मुर्गा नहीं है, ये बच्चा है हमारा। ये जी मुर्गियां और ये हैं जी सील मुर्गे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े मोटे ताजे हैं गाइस, आपको विजिट कराता हूँ। ये देखें जी, ये पहला नंबर है हमारे सील मुर्गे का, बानी के सील मुर्गे का। ये बच्चे थे बानी, ये कहाँ से लिए थे आपने? ये गांव से आए थे। गांव से? कौन से गांव से? ये आए थे छांगा मंगाली साइड। छांगा मंग बच्चे थे? बच्चे। और ये वाले? ये तो बाजार से लिए, ये भी बड़े शरारती हैं। और ये कौन सा मुर्गा? ये भी इनके साथ लिया था। वो ये तो यार डर रहा है, ये देख रहा है, इसकी मूवी बन रही है। और गाइज यहाँ पे है बानी की मुर्गियाँ, मुर्गी एक रखी हुई है, अंडों पे बैठी हुई है। तू दिखा। मुर्गी ने जो है ना बच्चे को काट लिया, वो कहती है मेरे बच्चों को क्यों छेड़ रहे हो। और ये मुर्गा है गाइस, चेक करें माशाल्लाह। ओए ये किधर जा रहा है? ऊपर ही है। ऊपर कहाँ पे? हाँ वो मैंने बना लिया। ये गाइस अबू जान की बकरी है, ये भी बकरी है। और इसके अलावा जनाब ये अबू जान ने बकरियां ली हैं कुछ अर्सा पहले, तकरीबन एक हफ्ता पहले ये दो बकरी ली हैं, छोटी छोटी हैं। ये बीतल नस्ल की है और दूसरी जो है ना वो क्रॉस में जो है ना ये है सिंधी नस्ल की विद राजनपुर नस्ल। सोनू देख रहा है बकरियों को और बच्चे भी देख रहे हैं। ये छोटा बकरा है जो पहले मौजूद था, इसकी जो माँ है ना वो भी अवेलेबल है और वो जो है ना इस वक्त गब्बन है। तो इसकी डिलीवरी जो है ना बस बहुत नज़दीक है, दुआ कीजिएगा खैर खैर से जो ना इसकी डिलीवरी हो। तो उम्मीद है दो या तीन बच्चे इंशाल्लाह इस बकरी के होंगे। तो बहुत ही अच्छी बकरी है गाइस, जैसी बारिश होती है ये इस दड़बे के अंदर चली जाती है। और ये जो बकरा है ना ये बहुत मारता है, तो अबू जान ने इसको अलग से सिखाया कुछ नहीं है, दाना वगैरह बस खिलाते हैं, लेकिन ये बहुत मारता है। तो ये देखिए गाइस बहुत मारता है ये, मैं इसको ना थोड़ा सा इस तरह पुशअप करता हूँ, ये देखें
गिर गया बहुत लड़ौका बकरा है, बहुत ज्यादा जो है ना लड़ाइयां करता है। हमारी कसम मोटरसा जा रही है, छोटी कक्की जा रही है, चलो मिलेंगे बाद में, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अभी हम भी घर जा रहे हैं, जल्दी से कल नीचे अपने वो आगे खड़ी की है, बस अभी जा रहे हैं, गाड़ी है बाकी हमने भाई अरे छोड़ने जा रहे हैं ये हमारी सुपो को। लेने आया था ये लीड, ये चार्जिंग लीड है, इसको भी जलती है हमारे पप्पा का मोबाइल, पप्पा मोबाइल जैसे है तो ये लीड हमारे पास थी, हमने सोचा हम देते हैं वो, अगर सुबह में वापस दे देंगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अभी धूप पे चलती है और देख के आती है। हम गाड़ी में बैठ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गाइस आ गए हैं घर वापस, और आके जो है ना हम यहाँ पे हमने लाइटें ऑन की हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें बाहर मैंने लाइटें ऑन कर दी हैं, तो अभी आपको वहाँ से भी दिखाता हूँ, ये देखें गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और ऊपर भी लाइटें ऑन कर दी हैं, ये देखें यहाँ पे ये लाइट हमने ऑन कर दी है। सो गाइस इस वक्त आया हूँ मैं ये भाई की शॉप पर अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्होंने हमारा व्लॉग लगाया हुआ है, व्लॉग लगा हुआ है रबी ओवल के वाले से, तो मैं आपको अपनी लाइटिंग दिखाता हूँ, ये देखें गाइस ये जी हमारी लाइटिंग, ऊपर झंडा नहीं अभी नज़र आ रहा, ये झंडा अब नज़र आ रहा है, हाँ जी ये देखें, और यहाँ पे जो है ना ये लाइट लगी हुई है ऑफ लाइट, मैं थोड़ा सा दूर से आपको विजिट कराऊंगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस आ गए हैं भाई की शॉप पे, ये भाई बैठे हुए हैं और हमारा व्लॉग यहाँ पे देख रहे हैं, रबी ओवल वाला ये शॉप है गाइस हमारी, महफिल मिलाद करवाने के लिए जो सामान की ज़रूरत होती है ना, कुर्सी टेंट कनाते हैं और ये उस चीज़ की शॉप है, तो यहाँ पे मेरा व्लॉग चल रहा है, कल बहुत ज़्यादा महफिलें हैं तो महफिलों में जो है ना भाई का जो है ना सामान लग रहा है, और भाई बताएं ठीक जा रहा है काम आपका? गाइस महफिल मिलाद के हवाले से बहुत काम है, साउंड सिस्टम का, डीजे का, खाने का, देगों का, टेंट का, कुर्सियों का, हर चीज़ का काम, कलीन भी नहीं मिल रहा, यानी कल की बुकिंग इतनी ज्यादा है। हाँ जी भाई क्या कहते हैं, बहुत काम है तो अब आप आराम कर रहे हैं। ये गाइस देखें इनके पास सारा सामान अवेलेबल है यहाँ पे, और कुछ सामान ये रखा हुआ है, बोतलें वगैरह, तो ये कुर्सियाँ वगैरह रखी हुई हैं, और इधर हमारा व्लॉग लग रहा है, देखें इधर चेक करें बच्चे, देखें क्या देख रहे हैं, डकी का व्लॉग देख रहे हैं, डकी भाई का, डकी भाई अपने 100 से ज्यादा व्लॉग दिखा रहे हैं, और यहाँ पे जो है ना ये बच्चे देख रहे हैं डकी को फॉलो कर रहे हैं। गाइस आज की वीडियो हमारी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों के साथ हमारे चैनल को राना नेमत व्लॉग, दो में याद रखिएगा, ओके अल्लाह हाफिज़।